No fui el primero, ni seré el último. भैया तो मेरे को ज्यादा प्रीमियम जगह पे ले आए आज। तो भाई यहाँ पे करने को तो काफी कुछ है, लेकिन हर चीज के आपको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप ऐसे चढ़ गए यहाँ पे तो फाइन भी देना पड़ सकता है। तो भाई यही है वो गाड़ी जो अंदर सफारी है ना, जंगल सफारी, तो यही गाड़ी मेरे ख्याल से जाती हुई इन्होंने मॉडिफाई भी कर रखी है मेरे साथ। कैसा लगा यहाँ पे, मजा आया ना? Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel. Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer. Baby yo te hago soñar, algo más rico que el amor. Bye bye, bye bye. अंजी और भाई फोन। तो भाई फिर से आपका स्वागत है मेरी इस एक और नई वीडियो में, और आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया हो गए। तो आज फिर से आ चुके हैं विनय भैया हमारे घर, और आज हम फिर से जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं वो अभी कुछ फिर से प्लान नहीं है, लेकिन बस जा रहे हैं फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट। फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट वो कहाँ पे है वो भी दिखाते हैं। तो देखते आज भैया कहाँ लेके जा रहे हैं एक नई जगह पे। यार इतनी सुंदर जगह है, मैं कभी नहीं आया। लोकल प्लेस है अपनी। गगन को दिखा दिया ना अब जगह, गगन भाई छोड़ने वाले नहीं है। ना बस आप तो दोस्त लग गए। वाह वाह वाह, हमारे स्वागत के लिए लोग खड़े हैं यहाँ पे। बजाओ रे ढोल। भैया तो मेरे को ज्यादा प्रीमियम जगह पे ले आया आज, इतनी महंगी जगह मैं नहीं आया कभी। ये तो फार्म हाउस टाइप लग रहा है यार, जैसे फार्म हाउस हो ना अपना। तो ये सुमा दे ला दोसे पेगándote bien lento baby para que tú goces, no somos algo serio pero bien si me conoces, ya tú eres el antojo de mi vida। फोटोग्राफी स्टार्ट हो गया गाइस, अच्छे से लेना भैया। तो भैया बता रहे हैं यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए भी जगह है, तो यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अच्छा मैंने जगह का नाम तो बताया नहीं, तो ये है फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट, ये पंजाब की साइड पड़ता है। एग्जैक्ट लोकेशन ना मैं बताता हूँ आपको, पूछ के बताता हूँ कौन सी। अच्छा हाँ भैया लोकेशन है कौन सी है, मतलब पंजाब में किस साइड पड़ता है नया गांव के पास पड़ता है। नया गांव के पास, अच्छा तो भाई ये नया गांव के पास पड़ता है ठीक है। फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट आप मैप पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे जंगल सफारी भी है यहाँ पे। जंगल सफारी, फिशिंग, बोटिंग, पिकनिक, एडी लेक शोर, हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग, करना कुछ नहीं है। तो यहाँ से भी दो रास्ते जा रहे हैं, किस साइड के हैं, इधर इधर जाना है। अरे लो स्विमिंग पूल आ गया आपका, वो देखो स्विमिंग पूल मिल गया, तो स्विमिंग नहीं करनी। तो भाई यहाँ पे करने को तो काफी कुछ है, लेकिन हर चीज के आपको पैसे देने पड़ेंगे। अभी ये भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे चढ़ गए यहाँ पे तो फाइन भी देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे कहाँ पे उन्होंने छुपा छुपा के कैमरे लगा रखे होंगे, तो देख तो सकते हैं, देखने छुट्टी मना करेंगे। यार मैं तो कैमरा देख रहा हूँ, कैमरा कहाँ पे लगे। देखो भाई आपको कहीं कैमरा दिख रहा है क्या, तो खतरों के खिलाड़ी वाला लगता है भाई। लेकिन जगह बहुत सुंदर है यार, मैं पहली बार आया इस जगह पे सही में। भाई साहब इतना बड़ा ग्राउंड, ये गोल्फ का है मेरे ख्याल से, गोल्फ खेलने के लिए काफी जगह है यहाँ पे। तो ये सामने पता नहीं क्या ही चीज बन रही है, किसी का घर बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ बन रहा होगा रेस्टोरेंट वगैरह। लेकिन अभी हम ना उस रास्ते पे आ गए जहाँ पे हम पहले नहीं आ रहे थे, तो हमने सोचा छोड़ो यार देखते हैं, अब रिस्क ले ही लेते थोड़ा। तो ये एक जगह लग रही है छोटी मोटी ट्रैकिंग की, ये ट्रैकिंग तो क्या ही है यार, इससे खतरनाक ट्रैकिंग हमने नड्डी में करी थी। बस हमको एकदम से शेर ना आ जाए आगे, अगर शेर आ गया ना फिर मेरा कोई ब्लॉग एडिट करके डाल देना। पता नहीं वैसे जगह तो खतरनाक से लग रही है, जंगल ही है पूरा आगे और कोई दिख भी नहीं रहा यहाँ पे, क्या करें फिर वापस चले। वापस ही ठीक रहेगा, आगे पता नहीं क्या हो। बाड़ो चलो लेफ्ट राइट लेफ्ट।
तो शाम के वैसे अभी 4 बज चुके और जगह ये काफी अच्छी है। अगर आपको आना है तो शाम के वक्त ही आना, ठीक है, 4-5 बजे के बाद ही आना, तभी ज्यादा मजा आएगा। और क्योंकि अभी मौसम इतना ठीक है, मतलब नॉर्मल है, लेकिन शाम को और बढ़िया हो जाएगा मौसम, तो शाम के वक्त ही आना यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सिपाहियों, एक लाइन में चलो, एक लाइन में करो करो, एक बार डांस कर दो, इतना से डांस कर रहे थे, वेरी गुड वेरी गुड। भाई लोगों ऐसा है ना, हमें फर्जी डांस रोक नहीं सकता, जहाँ बाजा बजता है ना फर्जी डांस शुरू हो जाता है। इसी में हाँ सफारी, जंगल सफारी, हाँ तो अंदर जंगल सफारी भी थी ना, तो शायद इसी में जाते होंगे लोग, इन्होंने ये भी मॉडिफाई करवा रखी है। सर एक फोटो सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? तो भाई अभी हम आए हैं एक ऐसे मॉल में जहाँ पे मैं जिंदगी में कभी नहीं आया। क्या नाम है इस मॉल का? ये अपना है आई टी पार्क का मॉल। अच्छा, मैंने ना आई टी पार्क नाम सुना है, डीएलएफ मॉल, ये तो दिल्ली में नहीं है? टोटल और काफी अच्छा बना, आवाज भी चलने लगी और बारिश जैसा मौसम हो गया, बारिश आ जाए और मजा आ जाएगा। तो भाई साहब पानी भर के बाहर तुम